अच्छा चलो फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ तुम पढ़ने बैठो। अनन्या तुम छोड़ो ये सब, हम दोनों पाप चलते हैं। ये फोन इसके बुक में से मिला है। अनन्या बेटा, बेटा मैं आपके लिए स्पेशली जाके बुक लेकर आई और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। बुक के लिए थैंक यू मामा और रूड बिहेव करने के लिए सॉरी, पर आप मुझे राकुल या किसी से भी कंपेयर करना बंद कर दो। बेटा कंपेयर करने में प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अच्छे से सीखेंगे नहीं तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। पुनीत पुनीत पुनीत, हर बच्चे में अपनी क्वालिटीज होती हैं। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, ये कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है। रमनी बच्चे ऑलराउंडर भी होते हैं और हमारे तीनों बच्चे ऑलराउंडर बन के दिखाएंगे, क्यों बच्चों? अच्छा चलो फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ तुम पढ़ने बैठो, जाओ जाओ जाओ। मम्मा जिस मूवी का मैं वेट कर रही थी वो रिलीज हो गई है ऑनलाइन, क्या मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं अनन्या, मुझे तो समझ में नहीं आता ये मूवीज एग्जाम के टाइम पे क्यों रिलीज करते हैं। अब रिलीज हो ही गई है तो देख भी लो ना। बिल्कुल नहीं, जाओ जाके पढ़ाई करो। हेलो यार मम्मा मूवी देखने की परमिशन तो दे ही नहीं रही। इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, तेरे पास फोन तो है ही, उसको बुक के बीच में छुपा ले और देख ले। हाँ आइडिया तो अच्छा है। Later. कितनी आवाज रखूं? ठीक रहेगी। हाँ अनन्या। हाँ जी मम्मा। तुम अभी हंस क्यों रही थी? नहीं मम्मा मैं हंस नहीं रही थी। नहीं तो तुम्हारी बुक में कोई जोक लिखा हुआ है? नहीं नहीं मम्मा बिल्कुल भी नहीं। लाओ अपनी बुक इधर दिखाओ। नहीं मम्मा मम्मा नहीं। लाओ नान्या। मम्मा नहीं। अनन्या मैंने तुम्हें मूवी देखने के लिए मना किया तो तुम छुप छुप के मूवी देख रही हो। वो मम्मा वो ना अरे क्या हो गया भाई? आपकी मैडम ने ना फैसला कर लिया है कि मेरा सर ये झुका कर ही रहेगी। ऐसा क्या हो गया? ये फोन इसके बुक में से मिला है, ये बुक में फोन छुपा के मूवी देख रही थी। तुम बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस करोगी तो बच्चे यही सब करेंगे। आप अभी भी मेरी गलती ढूंढ रहे हो इसमें? तुम एक बार सोच कर तो देखो। मुझे कुछ नहीं सोचना अनन्या, फैसला हो गया है। पूरे दिन में आपको आपका फोन सिर्फ हाफ एन आवर के लिए मिलेगा, बस बात फाइनल है। मम्मा प्लीज मेरा फोन मत दो। मम्मा Later. बहुत नींद आ रही है, अगर सो गई तो मम्मा डांटेंगी। दीदी मुझे ये वाला सम समझा दो ना। शनाया अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मन कर रहा अभी यहाँ पे सो जाऊं। दीदी अभी सोना मत वरना मम्मा बहुत ज्यादा डांटेंगी। ना जाओ यहाँ से। Later. अरे क्या हुआ नान्या बेटा? पापा मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है अनन्या? अभी आप थोड़ी देर पहले तो सो रहे थे, मैंने आपको सोने दिया, अब आपको फिर से नींद आ रही है। मम्मा आजकल मुझे पूरा दिन ही नींद आती है।
करती रहती है। नाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे एग्जाम सिर पे खड़े और तुम्हारे को नींद ही आती रहनी है। अरे सारा दिन पढ़ती रहेगी, सारी रात पढ़ती रहेगी, इसको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इस सारी चीजों से प्रेशर बढ़ रहा है, उसको सारा दिन नींद ही तो आती रहेगी। ऐसा करते हैं, इसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, ठीक है, और फिर स्कूल भी बंद करा देते हैं, और फिर ये बड़े होके क्या बनेगी। पुनीत मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मार्क्स का करियर से कोई लेना देना नहीं है। खैर छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अनन्या तुम छोड़ो ये सब, हम दोनों पार्क चलते हैं। इनफैक्ट शनाया सियान तुम दोनों भी उठो, हम तीनों पार्क जाएंगे। हाँ पार्क चलो। पता नहीं कौन सा शौक चढ़ाए पार्क जाने का, ये नहीं पता बच्चों का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। लेट है बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, आप लोग पढ़ने बैठो चलो। लगता है बच्चों को लालच देना ही पड़ेगा तभी ये पढ़ने बैठेंगे। अनन्या तुम्हें याद है ना तुम्हारी वीडियो गेम? वो तो आप मुझे लेके दे रहे हो ना। हाँ हाँ, पर अगर तुम टॉप करोगी तब वो मिलेगी। अगर टॉप नहीं भी किया तो भी लेके दोगे ना? नहीं बेटा, जो बात हुई थी वही बात रहेगी, तुम टॉप करोगी तो तुम्हारे को वीडियो गेम मिलेगी। अरे अनन्या तुम इसकी बात छोड़ो, तुम जाओ, तुम्हें मैं वीडियो गेम लेके दूंगा, तुम टॉप करो या ना करो, और जाओ अपनी जाके पढ़ाई करो, जाओ शाबाश। रमनी आप बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो? मैं बिगाड़ रहा हूँ? तुम बना रही हो बच्चों पे प्रेशर, तुम टॉप की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है जितना तुमने उन पे इतना प्रेशर बनाया हुआ है वो बच्चे पास भी नहीं होंगे। रमनी मुझे मेरे बच्चों पे पूरा कॉन्फिडेंस है, वो टॉप नहीं तो कम से कम 90 प्लस तो ले ही आएंगे। अच्छा तो बच्चों का कल मॉक टेस्ट है ना? हाँ। तो ठीक है डन, कल मॉक टेस्ट में अगर बच्चों के 90 प्लस आए तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारे पढ़ाने का तरीका सही है। अगर 90 प्लस नहीं आए तो जो मैं कहूंगा तुम्हें मानना होगा, तुमको मेरे तरीके से चलना होगा। ठीक है डन डन। द नेक्स्ट डे मेरे बच्चों आओ आओ आओ। बच्चों आज तुम्हारा ट्यूशन में मॉक टेस्ट था ना, बताओ पापा को कि आप सबके 90 प्लस आए हैं। हमारे 90 प्लस नहीं आए मामा। क्या तो फिर कितने आए? मेरे 72 और मेरे 65, मेरे 59। इतने कम? देखा पुनीत, इतना प्रेशर डालने का नतीजा, बच्चों पे प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा। तुमने इतना ज्यादा बच्चों पे पढ़ाई 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 का बोझ करा हुआ था और तुम्हारे पढ़ाने का तरीका भी सही नहीं था। उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करो, उन पे दबाव मत बनाओ, सारा दिन पढ़ पढ़ के इनका दिमाग बंद हो गया है। इतने कम नंबर तो उनके पहले भी नहीं आते थे जितने कम नंबर अब आए हैं। पर मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? वही मुंह दिखाओ जो तुम अब तक दिखाती आई हो, तुम्हारे शो ऑफ के चक्कर में मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, तुम्हें वो मंजूर है? नहीं। बस फिर तुम ये बात अच्छे से समझ लो, अगर हर बच्चा फर्स्ट आएगा तो सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा? अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में एवरेज नहीं होगा तो फिर सिंगर कौन बनेगा, क्रिकेटर कौन बनेगा, मतलब कोई और एक्टिविटी भी तो करनी है लोगों को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं या नहीं, और इस सब के लिए तुम्हें इनके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। वो मैं समझ गई हूँ रमनी, बच्चों अब से तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से ही पढ़ाई करना, ठीक है? चलो आओ रूम में चलते हैं।
एक सेकेंड, रूम में क्या जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं क्या? नहीं, पहले हम गेम खेलेंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। रमनीक्स बर्थडे ईव सेलिब्रेशंस ट्रिप स्टार्ट्स गोवा का लाइव हो चुका है हमारे चैनल आर एस 13 व्लॉग्स पे। रमनीक के बर्थडे की सेलिब्रेशन बिगिन। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक 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 क्लिक।